अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज दिबाकराम। ऐसे दस्त या पेचस लगना जो मई जून जुलाई के महीनों में गर्मी की वजह से लग जाते हैं, या गर्मी में सफर करने से या धूप में काम करने से पेचस लग जाते हैं, उनके लिए या आम सुफरावी दस्तों के लिए भी ये एक अक्सीर फार्मूला मैं बयान करने लगा हूँ। तो करना यह है कि साबत मसूर आधा किलो लें और उसमें 1.5 या 2 लीटर पानी डालकर किसी हांडी में डालकर आग पर पकाएं। जब मसूर साबत गल जाएं तो पानी को छान लें और पानी को महफूज कर लें। अब हस्बे तरीका तड़का बनाकर, लेकिन लहसुन और अदरक उसमें नहीं डालना, यानी जो तरीका भी बयान किया जाएगा उसके मुताबिक तड़का बना के उसमें वो दाल पकानी है। सब्ज मिर्च, टमाटर, हल्दी और हल्का सा नमक डालकर ये मसाला बनाएं और उसमें मसूर की दाल जो उबली हुई है उसको डाल के भून लें। जब दाल भुन जाए फिर वो जो मसूर का पानी आपने छान के निकाला था वो डालकर सालन तैयार करें और उस सालन को खिचड़ी के साथ मरीज को खिलाएं, यानी चावल उबले हुए उनके ऊपर डाल के ये दाल चावल बना के उसको खिलाएं। सालन थोड़ा ज्यादा खिलाएं, यानी चावल कम हो तो दाल या उसके बराबर हो, इस तरह इंशाल्लाह दस्त रुक जाएंगे। लेकिन मरीज को चाहिए कि 2 दिन यही गजा खाए। इस सालन को कुकर में हरगिज नहीं बनाना, ये कुकर में नहीं बनाना। अल्लाह ताला हम सब पर आसानियां फरमाए। हकीम शाकर अमान, सऊदी अरब जद्दा। तो इसके साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज़।